इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, गुफ्तगु आगे बढ़ाने से पहले आपसे भी कहता हूं, मुसलमानों, मुसलमान होने में सुबह की और शर्मिंदगी महसूस न करो। फख्र से कहो मैं मुसलमान हूं, फख्र से कहो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, फख्र से कहो कुरान अल्लाह की किताब है, फख्र से कहो इस्लाम मेरा दीन है। शर्मिंदगी महसूस मत करो, रेलवे स्टेशन पे रहो, ट्रेनों में रहो, प्लेनों में रहो, एयरपोर्ट पे रहो, अपने मजहब से कभी बगावत न करो। अगर पानी पीने का वक्त आए तो ये मत सोचना कि एयरपोर्ट पे पानी पी रहा हूं, बैठ के पीऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये मत सोचना अगर दाढ़ी रख करके सफर करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। याद रखना इज्जत अल्लाह ने उनके लिए रखी है जो सिद्क दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करते हैं। आज मुसलमानों की जिल्लत की वजह, मुसलमानों की रुसवाई की वजह, मुसलमानों की तबाही की वजह, मुसलमानों की बर्बादी की वजह ये नहीं है कि वह मुसलमान है, बल्कि ये है कि वो सच्चे तौर पर मुसलमान नहीं है। मुसलमान भी है शराब भी पीता है, मुसलमान भी है जिना के अड्डों पे भी जाता है, मुसलमान भी है पड़ोसियों पे जुल्म भी करता है, मुसलमान भी है बहनों का हक नहीं देता, मुसलमान भी है माँ बाप को सताता भी है, मुसलमान भी है मस्जिदों को वीरान भी करता है, मुसलमान भी है औरतों पे पाप की नजर भी डालता है, मुसलमान भी है कानों में ईयरफोन लगा के गाने भी सुनता है, मुसलमान भी है रसूलुल्लाह की सुन्नतों की मुखालफत भी करता है, मुसलमान भी है सैयदुल अय्याम जुमा के दिन ईदुल मोमिनीन में दाढ़ी मुंडा करके गटरों में फेंकवाता भी है, मुसलमान भी है इस्लाम पर अमल करने में शर्म करता है, मुसलमान भी है 3 घंटे होटल में बैठने में कोई बोरियत नहीं होती लेकिन 30 मिनट अगर मस्जिद में बैठ जाए उसको ऐसा लगता है आइंदा हफ्ते मस्जिद बदलना पड़ेगी, इमाम साहब बयान जुमा का लंबा कर देते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों याद रखो, हम मुसलमान होने की वजह से जलील नहीं है बल्कि मुकम्मल और कामिल और सच्चे मुसलमान नहीं बन सके इसलिए जलील है। खुदा की इज्जत की कसम जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा वैसा मुसलमान जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे तो उसकी शान ये होगी जमीन पे रहेगा तो लोग ताज़ीम करेंगे और जमीन के अंदर जाएगा तो नकीरें ताज़ीम करते नजर आएंगे। इमाम कहते हैं नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है, खाक होकर कब्र में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ऐ इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।